जो लोग अच्छी ऑडियो क्वालिटी सुनना पसंद करते हैं वो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार खरीदते हैं, लेकिन इतनी सारी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स हैं मार्केट में हर ब्रांड की कि आपकी कंफ्यूजन इज ऑब्वियस, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट कंफ्यूजन टुडे, क्योंकि मेरा नाम विनीत मल्होत्रा है और मैं आज सारी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स को कंपेयर करने के बाद आपको ये बताऊंगा कि हर बजट में कौन सी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार आपके घर में आपके रूम में आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे सकती है, एंड दैट आई कैन गारंटी यू। इस वीडियो के अंदर दिखाई जाने वाली जितनी भी साउंड बार्स आप देखेंगे या जो नहीं भी देखेंगे वो सारी मैंने खुद खरीदी है। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को मुझे किसी भी ब्रांड ने नहीं भेजा और ना ही इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे किसी ने भी पैसे दिए हैं। ये बात आपको इसलिए बतानी ज़रूरी है क्योंकि एक ये मेरा फ़र्ज है और दूसरी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ। अब आपको ये भी बताता हूँ कि इन सारी साउंड बार्स को जब मैंने खरीदा तो उसके बाद मैंने इन्हें लगातार कई हफ्तों तक या फिर महीनों तक इन्हें टेस्ट किया अलग अलग टाइप के रूम साइजेस में इन्हें बर्न इन करने के बाद, और इनसे कई टाइप के सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया अलग अलग जॉनरा के। उन सारे सॉन्ग्स को मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड करने के बाद आपको उसका एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो सारी ऑडियो फाइल्स सभी साउंड बार्स की एक ही सॉन्ग्स के साथ आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप उन सॉन्ग्स को सुन के ये डिटरमाइन कर पाएं कि इनमें क्या डिफरेंस है। इन डिफरेंसेस को आप जब बहुत ध्यान से किसी अच्छे हेडफोन या ईयरफोन को लगा के सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसे देते हैं तो कैसी साउंड बार आपको मिलती है, या आपको अच्छी क्लैरिटी जो कि डॉल्बी एटमॉस साउंड बार में मिल सकती है उससे क्या बेनिफिट होता है। आप कुछ ऐसे भी नुआंसेस सुन पाएंगे जो आपने अपने फेवरेट गाने में कभी सुने ही नहीं होंगे, इसलिए उन ऑडियो फाइल्स को ज़रूर डाउनलोड करिए। अब मैं आपको एक एक करके सारी साउंड बार्स को कंपेयर करके दिखाऊंगा भी और उनके ऑडियो टेस्ट और ऑडियो वीडियो टेस्ट सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी, लेकिन उसके पहले आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आपके लिए इन साउंड बार्स को खरीदने से ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने। उन पॉइंट्स को बीच बीच में बताऊंगा, उन्हें भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी साउंड बार की पीक रेंज होती है 80-90% वॉल्यूम पे, जहाँ पे उस साउंड बार से बजते हुए गाने के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सभी को मैक्सिमम पावर मिल रही होती है जितनी उस साउंड बार में डिजाइन करी गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 80-90% वॉल्यूम उस साउंड बार में करा तो जो भी गाना बज रहा है उसमें प्रॉपर वैसी ही आवाज आ रही है जितनी उस साउंड बार की कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर 50% वॉल्यूम पे वो साउंड बार है तो नहीं आएगी। ये एक नहीं सभी साउंड बार और सभी ऑडियो प्रोडक्ट्स के साथ होता है। नाउ अब आपका अगर एक छोटा रूम है, मान लीजिए 150 स्क्वायर फीट का, और आप एक 500 वाट की साउंड बार खरीदते हैं तो क्या वो सही डिसीजन है? बिल्कुल गलत डिसीजन है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों लेकिन आपको अपने रूम के साइज के हिसाब से एक ऑडियो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। उससे क्या होगा, 500 वॉट की साउंड बार खरीदने पे उसे 30% वॉल्यूम से ऊपर सुन ही नहीं पाएंगे इन अ नॉर्मल डेली कोर्स। उससे आपको सारी फ्रीक्वेंसीज प्रॉपरली सुनाई नहीं देंगी, लेकिन एक 150 वॉट की साउंड बार को आप बहुत अच्छे से 80-90% वॉल्यूम पे सुन पाएंगे और उससे आप उस गाने को या उस मूवी को ढंग से प्रॉपरली एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपको सब कुछ सुनाई दे रहा होगा, हर फ्रीक्वेंसी, हर सराउंड साउंड। इसलिए अपने रूम साइज के हिसाब से एक ऑडियो प्रोडक्ट खरीदें, एक साउंड बार खरीदें, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें ज्यादा पावर है। मोर पावर डज नॉट मीन गुड ऑडियो क्वालिटी इन योर रूम। Under 10,000 rupees बहुत सारी साउंड बार्स हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी हैं। आई टोटली एंड कम्प्लीटली रिकमेंड देम, लेकिन डॉल्बी एटमॉस एक ऐसी स्पेशल चीज़ है, एक स्पेशल डीकोडिंग है जिससे आप कंप्रेस्ड ऑडियो को डीकोड कर सकते हैं और वो जो छोटे छोटे सराउंड, वर्चुअल सराउंड के एहसास हैं वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और वो आपको किसी और नॉर्मल साउंड बार में, मान लीजिए डॉल्बी ऑडियो की साउंड बार में नहीं मिलेंगे व्हाटसोएवर। नाउ दैट इज़ व्हाई मेरी लिस्ट में Under 10,000 rupees जो बेस्ट डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है इज दिस वन, ज़ेब्रोनिक्स की जूक बार 1000 डॉल्बी एटमॉस साउंड बार, जिसको मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही रिव्यू किया है ये वाला वीडियो। दिस आई थिंक इज द बेस्ट साउंड बार जो आप खरीद सकते हैं अंडर 10,000 rupees।
मैं इसके लुक्स, इसके डिज़ाइन, इसके फीचर्स, इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस, इसके बारे में आपसे बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं। मैं आपको सीधा इसकी ऑडियो टेस्ट सुनाता हूं, सुनिए। किसी भी और 10,000 रुपीज़ की साउंड बार के अंदर अगर आप ये सेम सॉन्ग सुनेंगे तो वो आपको थोड़ा सा हार्श, थोड़ा सा ब्लोटेड सुनाई देगा, बट नॉट इन दिस वन। वाई? बिकॉज ये जो क्लैरिटी है जिसके आप पैसे दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक वायर्ड सबवूफर की साउंड बार भी खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 150 वाट की टोटल आउटपुट, यू नो आरएमएस आउटपुट के अंदर भी इतना ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये जो क्लैरिटी है जो सिर्फ दो ड्राइवर्स से मिल रही है, ये एक कमाल कर रही है, ये कर रही है एक वर्चुअल सराउंड का मैजिक। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इनको ट्यून बहुत अच्छे से करा गया है। इनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो इतने शानदार तरीके से दिया गया है। लेट मी टेल यू, ज़ेब्रोनिक्स का जो ऑडियो सिग्नेचर है उसके अंदर आपको लोअर बेस बहुत ज़्यादा पावर्ड मिलती है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग बाय द वे, लेकिन उनमें अपर बेस भी होती है और उसमें भी काफ़ी पावर जाती है। लेकिन उसी ऑडियो सिग्नेचर को उन्होंने और भी ज़्यादा रिफाइन करा है फॉर दिस डॉल्बी एटमॉस साउंड बार। और उसकी वजह से हुआ क्या है, अब आपको लोअर बेस के अंदर थोड़ी डिटेल सुनाई देती है और अपर बेस की पावर को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से मिड नोट्स में बहुत अच्छी क्लैरिटी और जो क्रिस्प आपको हाई नोट सुनाई देंगे उसकी वजह से आपको वर्चुअल सराउंड का एहसास होगा। आपके कानों को ये सिर्फ दो ड्राइवर्स की साउंड बार एक ऐसा एहसास कराएगी जो आपको मेरे ऑडियो वीडियो टेस्ट में सुनाई देगा। इसे सुनिए। ये जो बॉम्ब का शेल आपने देखा और वो घूमा और उसकी आवाज़ को जो आपने महसूस किया, उसकी जो अलग 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 लेयर्स में बेस और लेयर्स में जो क्रिस्प हाई नोट्स आपको सुनाई दिए, ये चीज़ है क्लैरिटी, ये चीज़ है सेपरेशन। और यहाँ पे आपको एक बहुत ज़बरदस्त सेपरेशन और क्लैरिटी दोनों का एक्सपीरियंस हुआ। और यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अमेज करती है किसी भी ऑडियो प्रोडक्ट के अंदर। ज़ेब्रोनिक्स की जूक बार 1000 के अंदर ये जो क्लैरिटी दी गई है, आई एम जस्ट अ फैन ऑफ दिस साउंड बार नाउ, बिकॉज मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये 10,000 की साउंड बार है। मुझे सुनने के बाद ऐसा लगा दैट दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट आई हैव टू रेकमेंड, बिकॉज ये 10,000 रुपये के अंदर एक शॉकिंगली बहुत ज़बरदस्त तोहफा है जो आप सभी के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लेके आ सकता है। आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड्स टू से अबाउट दिस साउंड बार। मैंने आपको सारी ऑडियो फाइल्स इसके दी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे सुनेंगे। उसमें एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग भी है जो आप सुन के एहसास करेंगे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के नोट्स को ये किस तरह से प्ले कर रही है, एंड That is simply magical. Links are in the description box. और वो सभी मेरे affiliate links हैं और मैं बहुत ज़्यादा request करूँगा आपसे कि please उन links को use करके अपनी purchase को पूरा करिए। इस channel की मदद होती है और हम इतनी मेहनत करके ऐसे comparisons आपके लिए बनाने के लिए ये products को खरीद पाते हैं। I request you. 10,000 से ऊपर और 20,000 से नीचे बहुत सारी साउंड बार्स हैं। कुछ साउंड बार्स ऐसे भी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो मैं ढूंढता हूँ और वो मुझे दो साउंड बार्स में अच्छी लगी। उनमें से पहली है बोट की 4100DA डॉल्बी एटमॉस साउंड बार। आई सिंपली लव्ड इट। आप इसका ऑलरेडी मेरा एक ट्रू व्यू देख चुके हैं और ये रहा वो ट्रू व्यू। आपको इस वीडियो के अंदर मैंने सारी इसकी डिटेल्स बताई हैं, इसके नुआंसेस बताए हैं, लेकिन इसके साथ जो दूसरी साउंड बार है वो है JBL की SB190। इसको भी सेम प्राइस रेंज के अंदर अगर आपको खरीदना हो और कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको ये बता दूँ कि इन दोनों साउंड बार्स में कुछ डिफरेंसेस हैं।
किसी के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा है और किसी के लिए कुछ, इसलिए मैं इन दोनों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा और वो डिफरेंसेस को आपको समझाऊँगा ताकि आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक सही साउंड बार इन दोनों में से एक चुन पाएँ. चॉइस विल बी कम्प्लीटली योर्स, लिंक्स विल बी ओनली माइन. दैट इज़ अ रिक्वेस्ट. ओके, सो कमिंग टू बोट, बोट साउंड बार एक ज़बरदस्त मास्टरपीस है. मुझे पहली बार में ये एहसास नहीं हुआ कि ये बोट का प्रोडक्ट है बिकॉज ये बोट के ऑडियो सिग्नेचर के साथ नहीं आती है. दो बोट फॉर मार्केटिंग दे से दैट बोट ऑडियो सिग्नेचर, बट नो, इट इज़ नॉट बोट ऑडियो सिग्नेचर एंड थैंकफुली इट इज़ नॉट. ये जो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स इसमें जादू करते हैं, ये एक्चुअली में जादू कर रहे हैं. अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स के होने की वजह से जो ऑडियो, जो सराउंड फ्रीक्वेंसीज पर्टिकुलरली जो सीलिंग पे टकरा के आपके कानों तक फैल के पहुंचती हैं, ये आपको सराउंड का एहसास कराती हैं. एंड 20,000 रुपीज़ के अंदर ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़. एंड ये मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ या फिर मैं बोट की बेस को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं आज तक कन्फ्यूज़ हूँ. आई डोंट नो इट येट, क्योंकि ये बेस इतनी मीठी है, ये बेस इतनी प्यारी है कि आपकी बॉडी तक आके आपको वाइब्रेशन करवाएगी. ये डाउन फायरिंग सबवूफर इज जस्ट डूइंग एन अमेजिंग जॉब. आपको हल्का हल्का जो वाइब्रेट करेगा, आपको जो एहसास होगा कि बेस आई, फिर से बेस आई, फिर से आई, ये जो चीज़ है, ये जो पंच आपको पड़ता है बार 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 बार, ये मज़ेदार चीज़ है. इट इज़ नॉट जस्ट लाइक बोट साउंड बार जिसमें आपको वो बेस सुनाई देती है. ये वो साउंड बार नहीं है. डू नॉट बाय दिस फॉर दैट, बिकॉज ये बोट का ऑडियो सिग्नेचर नहीं है, ये डॉल्बी एटमॉस है. डॉल्बी एटमॉस में आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से सुनाई देनी चाहिए, जैसे नेचर में उनकी आवाज़ ऑलरेडी है. एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन दिस बोट साउंड बार. ये बहुत मेलोडियस है और आपको इसका ऑडियो टेस्ट सुनना चाहिए. जो मैंने ऑडियो टेस्ट सुनाने से पहले बोला, एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ है. आपको अलग 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 जो नोट्स सुनाई देते हैं, जो आपको एक वर्चुअल सराउंड का एहसास होता है, वही आप मेरे ऑडियो फाइल्स के अंदर भी चेक करेंगे. सेम सॉन्ग्स आपको हर साउंड बार के रिकॉर्ड करके मैंने इसीलिए सुनाए हैं कि आप सारी साउंड बार्स को कंपेयर करते जाएँ और जो आपको ऑडियो सबसे अच्छी लगे आप उसी साउंड बार को खरीदें अगर आपके बजट में वो आती हो. दैट इज़ वाई आई लव बोट साउंड बार. ये जो अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हैं और जो ये सब वूफर है, दे आर डूइंग सिंपली एन ऑसम जॉब फॉर मी. बोट ने बहुत अच्छा स्कोर किया इस साउंड बार में, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स कि अगर ये HDMI EARC पोर्ट देते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सभी टीवी से आपको यू नो कॉम्प्रेस्ड ऑडियो की डीकोडिंग मिल पाए. एंड वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है. एंड यस, इट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज सभी टीवीज के अंदर HDMI EARC 2.1 पोर्ट नहीं है. एंड यू नो इवन Zebronics 1000 के अंदर आपको HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलता है, विच इज़ अ रिमार्केबल थिंग. बट अनफॉर्चुनेटली आपको बोट की 4100DA के अंदर नहीं मिलता. दिस इज़ वन एरिया वेर आई रियली रियली गॉट डिसअपॉइंटेड. बट इसके अलावा इन्होंने HDMI इन पोर्ट दिया है, उससे आपको जितने पास थ्रू मिल रहे हैं वो शायद बहुत ऊपर की रेंज की साउंड बार्स के अंदर मिलते हैं. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी फीचर इट साउंड बार. अगर आपके पास ऐसा टीवी है जिसके अंदर HDMI EARC पोर्ट है, देन बाय इट, अदरवाइज डोंट. ARC पोर्ट से आपको डीकोडिंग नहीं मिलेगी एटमॉस की एंड यू विल मिस the actual clarity jo ye soundbar capable hai deliver karne ke liye. What if Paul Atreides were still alive? वो
वही सीन और वही सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को घुमाने की जो साउंड है वो मैं आपको जान के सुनाना चाहता था, ताकि आपको ये एहसास इस साउंड बार के अंदर भी करा सकूं कि ये साउंड बार कैसी है। ऑब्वियसली ये 300 वॉट की साउंड बार है, हम जब इसे 80-90% वॉल्यूम पे चलाते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त एहसास होता है, आपको वो सारी नोट्स ज़्यादा पावर के साथ सुनाई देते हैं, एंड यू नो इट इज़ अ वेरी वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। मेरे टीवी जिसके अंदर मैंने इसे लगाया था उसमें HDMI EERC पोर्ट है, एंड दैट इज व्हाई आई कुड अचीव द डॉल्बी एटमॉस डिकोडिंग। बट एज आई सेड बिफोर, ये साउंड बार बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर क्लैरिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको HDMI इन पोर्ट से पास थ्रू की ज़रूरत है, देन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल साउंड बार टू गो फॉर। मैं वॉट एल्स डू आई से, इट्स अ फैंटास्टिक वन। इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे ज़रूर चेक करिए। लेकिन मेरी दूसरी साउंड बार है JBL की SB190, एंड आई थिंक इट इज़ स्लाइटली बेटर देन बोट डिस्पाइट मिसिंग आउट ऑन द अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स। और उसका भी एक कारण है, क्योंकि JBL हरमन कर्व की ट्यूनिंग के साथ आता है, एंड यस हरमन कर्व डज मेक अ डिफरेंस, एंड डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हरमन कर्व के अंदर आपको जो बेटर करके, यू नो हरमन कर्व को भी इम्प्रूव करा जा सकता है, और उसको हर 2-3 साल में इम्प्रूवमेंट होती है, हरमन खुद ही करते हैं। लेकिन हरमन के, यू नो विद इन हरमन, जैसे JBL इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हरमन नाउ, सो विद इन हरमन अगर वो ऑडियो सिग्नेचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड वो किसी साउंड बार में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, देन दे डू दैट, और वो इस साउंड बार में हुआ है। इसके अंदर आपको अब डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग इसीलिए मिलती है। इसका आउटपुट 380 वॉट है, 80 वॉट मोर देन बोट साउंड बार, बट स्टिल आपको ये एहसास नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस साउंड बार, कि आपको ये एहसास नहीं होगा जब आप बोट और JBL को एक साथ रखेंगे और एक साथ सुनेंगे, तो आपको थोड़ी सी लाउड शायद बोट की साउंड बार लगेगी, JBL की नहीं। एंड ट्रस्ट मी, इट इज रियली द बेस्ट पार्ट ऑफ JBL SB190, बिकॉज ये जो पावर है ये गई है क्लैरिटी में और बेस में, और उसमें भी पर्टिकुलरली लोअर बेस में जो ये ज्यादा पावर गई है वो आपको बेस में भी लेयर्स दे रही है, वो आपको बेस में भी एक लेयर बाय एक लेयर बाय एक लेयर जब वाइब्रेट करेगी, अंदर से वाइब्रेशन का एहसास कराएगी, वो आपको बहुत ज़्यादा मीठा एहसास कराएगा। इसका कारण ये है कि हम में से जितने भी लोग एक डीजे में जाके नाचना चाहते हैं, या फिर यू नो एक शादी में डीजे में नाचते हैं, वो अपर बेस को कुछ थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करते हैं, वी जस्ट लाइक इट फॉर सम टाइम। हम अपर बेस को कॉन्टिन्यूसली लंबे टाइम तक सुनना पसंद नहीं करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग फील करना चाहते हैं बेस को, और यही एक सही तरीका है, और JBL ने वही सही तरीका पकड़ा और आपको SB190 के अंदर दिया। इस साउंड बार के अंदर आपको ज़्यादा लोअर बेस और उसके अंदर जो डिटेलिंग मिलती है लेयर्स के रूप में वो मिलती है। इसकी वजह से ये साउंड बार कुछ अलग ही सिनेरियो के साथ आपको बेस सुनाती है, मतलब एहसास कराती है। एंड द क्लैरिटी, द एक्स्ट्रा पावर गोज टू द क्लैरिटी, ये जाती है मिड नोट्स की क्लैरिटी के अंदर और हाई नोट्स की क्लैरिटी के अंदर। उसी का एहसास आपको मैं इस ऑडियो टेस्ट में कराता हूँ, सुनिए। वोकल्स में फर्क लगा? आपको आउटपुट ज़्यादा नहीं लगा होगा, आपको वोकल्स और ज़्यादा क्रिस्प और ज़्यादा डिटेल के साथ सुनाई दिए होंगे, और यही एक फ़र्क है बोट और JBL के ऑडियो सिग्नेचर के अंदर। ये है हरमन कर्व की पावर, ये है आपको हरमन कर्व को इम्प्रूव करके डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग देने के लिए जो एक्स्ट्रा पावर लोअर बेस में और एक्स्ट्रा पावर हाई नोट्स में देने से जो अचीव आप करते हैं, जो आपको सुनाई देता है, उसकी पावर।
ये चीज़ इतनी ज़्यादा मीठा एहसास आपको और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त एहसास आपको देगी, ये जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको देगी, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आप अगर किसी मूवी को एंजॉय कर रहे हैं तो आपका ये एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा JBL SB190 से, एंड आई कम्प्लीटली रिकमेंड इट। कुछ लोग मुझसे बार बार कमेंट्स में ये पूछते हैं कि मैं JBL 2.1D बेस साउंड बार लूँ या फिर JBL SB190। लेट मी टेल यू, दोनों दिखने में चाहे बिल्कुल सिमिलर साउंड बार्स हों, ये अंदर से बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि इन्हें ट्यून बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करा गया है और ये दो अलग अलग टाइप के लोगों की साउंड बार हैं। जिसको सिर्फ बेस सुननी और महसूस करनी है उनको JBL 2.1D बेस लेनी है, बट अगर आपको एक्चुअल नुआंसेस जानने हैं किसी ऑडियो के, आपको मूवी को ऐसे एहसास करना है जैसे एक्चुअली में आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हों, देन SB190 इज द वन टू गो फॉर। आपको इसी का एक छोटा सा ट्रेलर सुनाता और दिखाता हूँ, देखिए। HDMI EARC पोर्ट होने से आपको JBL SB190 के अंदर प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस डीकोडिंग सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी, एंड ये अपने आप में एक बेटर चीज़ है, बिकॉज ARC पोर्ट से आपको वो प्रॉपर डीकोडिंग नहीं मिल सकती कम वॉट में। और मैं जानबूझ के आपको बार बार वही सीन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप वो सिलेंडर के घूमने की आवाज़ खुद एहसास करें, आप वो खुद क्लैरिटी का एहसास करें, और बोट और JBL के अंदर जो फ़र्क है उसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है, हेडफोन या ईयरफोन लगा के सुनना है, क्योंकि आउटपुट चाहे JBL का ज़्यादा है, आपको आउटपुट बोट का ज़्यादा सुनाई देगा, और इसका कारण वही है जो मैं आपको दो बार बता चुका हूँ पहले। यही क्लैरिटी का मैजिक है जो आपको आउटपुट कम होने पे भी ज़्यादा क्लैरिटी सुना रही है JBL की साउंड बार, एंड आपको चुनना है कि ये दोनों साउंड बार्स 20,000 रुपीज़ की हैं, इन दोनों साउंड बार्स में आपकी प्रेफरेंस क्लैरिटी है या आपकी प्रेफरेंस थोड़ा सा आउटपुट है, यू कैन से आउटपुट और यू कैन से कि थोड़ी सी कम डिटेल इन द बेस, और उसी की वजह से इन दोनों में एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन बन जाती है। इन दोनों में से माई चॉइस वुड बी JBL SB190। दोनों के लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, चूज वाइजली एंड प्लीज यूज माई लिंक्स। ऑडियो क्वालिटी के अंदर 3S का मतलब होता है सराउंड साउंड, सेपरेशन एंड साउंड स्टेज। ये तीनों चीज़ें आपने मेरे वीडियोस में बहुत बार सुनी होंगी, और इन तीनों को एक साथ अचीव करने के लिए आपको लेनी पड़ेगी एक अच्छी ट्यून्ड 5.1 साउंड बार, और वो अच्छी 5.1 साउंड बार को लगाने के लिए आपका रूम साइज मिनिमम होना चाहिए मिनिमम 250 स्क्वायर फीट। अगर 300 स्क्वायर फीट है देन इवन बेटर, लेकिन उसकी विड्थ भी मिनिमम होनी चाहिए 15 फीट, क्योंकि तभी आप एक अच्छा साउंड स्टेज भी अचीव कर पाएंगे। साउंड स्टेज लगाने के लिए आपने मेरे वीडियोस में बहुत बार सराउंड चैनल्स की सही प्लेसमेंट को देखा होगा, उसे ध्यान में रख के एक अच्छी 5.1 साउंड बार खरीदने से आप ये 3S अचीव कर पाएंगे। 5.1 साउंड बार के बारे में आपको बताया ही है, तो अब आपको बताता हूँ द बेस्ट साउंड बार अंडर 25,000 इन द डॉल्बी एटमॉस कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मी इज ज़ेब्रोनिक्स जूक बार 9750 5.1 साउंड बार। पर जैसे मैंने आपको बताया, आपका रूम अगर 250 या 300 स्क्वायर फीट से ऊपर है तो इस साउंड बार को लीजिए, क्योंकि ये जो जबरदस्त साउंड स्टेज आपको देगी, इस साउंड बार के साउंड स्टेज को सही में एक्सपीरियंस करने के लिए आपका रूम साइज वैसा होना चाहिए। इस साउंड बार के अंदर आपको जो अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स मिलते हैं, जो फॉरवर्ड ड्राइवर्स मिलते हैं, जो सेंटर चैनल आपको मिलता है और जो सराउंड चैनल्स आपको मिलते हैं, दे आर डूइंग द रियल मैजिक ऑफ द साउंड स्टेज। हर चैनल का अपना अपना एक काम होता है, और जो फ्रंट चैनल्स हैं वो आपको अलग फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करते हैं, जो मिड चैनल है जो बिल्कुल सेंटर चैनल है वो आपको वोकल्स डिलीवर करेगा,
एंड दे विल बी वेरी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। और जो अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स हैं ये सीलिंग पे ऑडियो को ले जाते हैं, वहाँ पे टकरा के आपके कानों तक पहुँचने से पहले उसे फैला देते हैं। एंड यहाँ पे आपकी एक और सपोर्ट होती है जो है सराउंड चैनल्स। ये सराउंड चैनल्स आपको कानों पे पीछे की तरफ से सराउंड फ्रीक्वेंसीज को प्ले करके एक प्रॉपर वर्चुअल सराउंड का एक्सपीरियंस देते हैं जिसमें कोई कमी नहीं हो पाती। आप सुनना चाहते हैं? सुनिए पहले ऑडियो टेस्ट। ये जो ऑडियो टेस्ट आपने सुना ये 4 माइक्स लगा के मैंने करा, उसका कारण सराउंड चैनल्स। और मैं चाहता था कि आपको ये सुनाऊं कि सराउंड चैनल्स के होने से कैसी ऑडियो का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। एक सॉन्ग के अंदर भी आप जब सराउंड चैनल्स को ऑन करके ये वाला एक्सपीरियंस लेते हैं तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। आप किसी भी 2.1 साउंड बार को कभी भी एक 5.1 साउंड बार के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पीरियड। बिकॉज ये कंपैरिजन अपने आप में एक गलत कंपैरिजन है। आप कोई भी साउंड बार इनमें से ले लें, उनमें से आप 5.1 साउंड बार का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज अ नेक्स्ट लेवल साउंड बार। इसमें आपको जो क्लैरिटी मिलेगी और जो ज़्यादा बेस मिलेगी ये सभी के टेस्ट के हिसाब से नहीं होती है। सपोज इफ आई टॉक अबाउट माई टेस्ट, मुझे ज़्यादा बेस नहीं पसंद है, बट दोज हु लव बेस, जिनको ज़्यादा बेस पसंद है उनके लिए ये साउंड बार परफेक्ट है। बिकॉज ये एक प्रॉपर ज़ेब्रोनिक्स की ट्यून्ड साउंड बार लगती है, वैसी ही सुनाई देती है, जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोअर बेस का आपको इफेक्ट फील होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग अपर बेस आपको सुनाई देगी। इससे आपको जो यहाँ पे एकदम बीट वाइब्रेशन और जो यहाँ पे पंच लगता है बेस का, ये आपको महसूस होगा। इसकी वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो आपको वो फील होता जाएगा। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 80-90% के अंदर जहाँ पे पीक रेंज आती है किसी भी साउंड बार की, इस साउंड बार की पीक रेंज आती है अबाउट 85-90% पे। वहाँ पे आप एहसास करेंगे कि यार ये एक्चुअली में यहाँ पे हथौड़ा मार रही है बेस का। एंड ये जो बेस है दिस इज रियली रियली पावरफुल। आपको जो सराउंड चैनल्स हैं वो मिड नोट्स भी प्रॉपर प्रोपोर्शन में सुनाएंगे। मिड नोट्स भी हर सराउंड चैनल से आते हैं, उसमें प्रोपोर्शन होनी चाहिए सही। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सराउंड चैनल्स बहुत सही प्रोपोर्शन में आपको मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज सुना रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सराउंड का एहसास होता है। एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल टू हियर। आपको यही चीज मैं अब उसी ऑडियो वीडियो ट्रेलर के अंदर सुनाता हूँ, उसे सुनिए और देखिए। अब जो आपने सुना वही सिलेंडर के घूमने की आवाज, उसको सुन के आपको क्या महसूस हुआ जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जरूर सुनिएगा ऑडियो फाइल्स को, उसके अंदर भी ये ट्रेलर की ऑडियो दी है ताकि आप उसे कानों में ढंग से अच्छे एयरफोन या हेडफोन लगा के एहसास कर सकें। ये 4 माइक्स की ऑडियो को हमने क्लब करा है सिर्फ इसी साउंड बार में बिकॉज ऑफ द सराउंड चैनल्स। और ये चीज एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है। किसी के पास भी अगर इतना बड़ा रूम साइज है, आई वुड हाईली रेकमेंड टू बाय दिस साउंड बार, क्योंकि आपको एक्चुअल में सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस मिलेगा। इफ यू हैव अ 55 और 65 इंच टीवी, रात को अगर आप ये मूवी देखेंगे, पड़ोसियों का डर तो आपको देखना पड़ेगा, अपने आप हैंडल करना पड़ेगा, बट अदरवाइज आपको सिनेमा हॉल से कम एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता इस साउंड बार में। आपको डायलॉग सुनने में कोई परेशानी नहीं होगी बिकॉज मूवीज देखते समय अगर बेस को जो मैं ओवर पावर बता रहा हूँ, यू नो आपको पंच जो मिलता है
उससे प्रॉब्लम हो सकती है, बट नॉट इन Zebronics 9750. एंड द रीजन बीइंग, ये ट्यून बहुत अच्छे से करी गई है, इसमें सही प्रोपोर्शन में अपर बेस को बहुत ज़्यादा ऊपर करा गया है और वो बेस की आपको लेयर सुना देती है, और वो लेयर्स मिड नोट्स के साथ क्लब नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको वोकल्स बहुत अच्छे डिलीवर होंगे और वो सही सुनाई देंगे. क्योंकि वोकल्स के अंदर हमें अक्सर प्रॉब्लम होती है किसी भी ऐसी साउंड बार के अंदर जहाँ पे बेस थोड़ी सी भी हैवी है, बिकॉज वो वोकल्स के साथ मिक्स होते हैं और उसकी वजह से आपको ढंग से सुनाई नहीं देता है. आप बार बार वॉल्यूम कम या ज़्यादा करते हैं वोकल्स को सुनने के लिए और प्रॉपरली उस मूवी को एंजॉय करने के लिए, बट नॉट इन 9750. दिस इज ट्रूली अ मास्टरपीस, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर 23,000 रुपीस में जो ये साउंड बार आती है, ये अमेजिंगली प्राइस्ड है, और जो ये 5.1 का एक्सपीरियंस आपको दे रही है, और कोई भी साउंड बार आपको ये एक्सपीरियंस नहीं दे सकती इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में. आपको ये एक्सपीरियंस एक प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस, क्योंकि इस साउंड बार के अंदर HDMI EERC पोर्ट है, आपको किसी भी टीवी जिसमें ARC या EERC पोर्ट है उसे मिलेगा. एंड यू नो आई जस्ट लव दिस, बिकॉज हमें हर ऑडियो को उसी तरीके से सुनने का मन करता है जैसे वो सिनेमा हॉल के अंदर हम सुनते हैं. एंड ये सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस हमें एग्जैक्टली Zebronics 9750 के अंदर मिल सकता है, प्रोवाइडेड अगेन आई एम टेलिंग यू इफ यू हैव अ लार्जर साइज रूम. अब आप क्या वेट कर रहे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इस साउंड बार के लिंक्स दिए हैं, प्लीज़ उन्हें यूज़ करिएगा, इस चैनल की थोड़ी सी मदद होगी. अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल सेगमेंट अंडर 30,000 रुपीस की डॉल्बी एटमॉस साउंड बार की. मैं इससे ऊपर की प्राइस सेगमेंट को इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका बजट 30,000 रुपीस का है और अगर आप एक 2.1 साउंड बार लेना चाहते हैं, नो मैटर विच साउंड बार इट इज, मैं किसी भी साउंड बार, चाहे वो डॉल्बी एटमॉस हो या ना हो, आई थिंक दिस साउंड बार इज द बेस्ट वन. दिस इज माई न्यू फेवरेट साउंड बार. मैं ऑलरेडी इसका आपको ट्रू व्यू दिखा चुका हूँ, ये रहा वो वीडियो, और आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए. आई थिंक दिस इज द बेस्ट साउंड बार अंडर 30,000 इन ऑल द कैटेगरीज, इन 2.1 कैटेगरी एटलीस्ट. Yamaha 209 को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन आफ्टर लिसनिंग टू दिस साउंड बार I am in love with this one, because ये Dolby Atmos soundbar LG की Meridian Audio के साथ आती है. मैंने already अपने video के अंदर बताया है, but ये Meridian Audio जो कमाल कर रही है, जो जादू कर रही है, वो जादू मैंने आज तक कभी नहीं सुना किसी भी soundbar में, चाहे वो Samsung हो, Yamaha हो, JBL हो, Zebronics हो, Boat हो, या कोई और brand हो, Sony हो, Sony में ये जादू है ही नहीं, लेकिन ये जादू मैंने किसी भी साउंड बार में नहीं सुना. आई कैन ईजली से दैट दिस साउंड बार शुड हैव बीन प्राइस्ड एटलीस्ट ट्वाइस एज मच. इसका कारण ये है कि इसकी जो ऑडियो की क्लैरिटी है और जो इसकी ट्यूनिंग है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है. आपने ऐसी बेस कभी भी महसूस नहीं करी होगी, आपको सुनाई नहीं देगी ये बेस, क्योंकि ये सिर्फ लोअर बेस है, और ये लोअर बेस की ट्यूनिंग इतनी ज़्यादा डिफरेंट और इतनी ज़्यादा मीठी है, आपको ऐसा एहसास होगा जैसे ये बेस आराम से आपके पास आके आपको लेयर बाय लेयर वाइब्रेट करती जा रही है, और इतना वाइब्रेट कर रही है, इतनी लेयर्स आप सुनेंगे, आपको अलग अलग बेस सुनाई देगी. मान लीजिए आपके हाथ में 10 मोती हैं, आपने उन्हें इस तरह से गिराना शुरू करा, जैसे ही आप हाइट बढ़ाते जाएंगे अपने हाथ की और वो मोती गिरते चले जाएंगे, उनकी आवाज़ में फ़र्क होगा. और अगर उस आवाज़ को ये साउंड बार अलग अलग तरीके से प्ले करके आपको सुनाए, तो आप उसे क्या कहेंगे, आई विल कॉल दिस गॉड लेवल साउंड बार, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़. क्योंकि इतनी ज़्यादा फीचर रिच और इतनी ज़्यादा क्लियर ऑडियो मैंने शायद ही आज तक सुनी होगी. एंड इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी टू से कि मैं Yamaha 209 के बजाय अब इसे अपनी फेवरेट बोलता हूँ और इसे रिकमेंड करता हूँ. सबसे पहले आपको इसका ऑडियो टेस्ट सुनाता हूँ.
ऑडियो टेस्ट से पहले मैंने इसके सबवूफर का मैजिक तो आपको समझा दिया था, लेकिन ऑडियो टेस्ट सुनने के बाद आई एम श्योर आपको इसकी क्लैरिटी का भी जादू समझ में आ गया होगा। आपको वो समझ में आया होगा कि जो मैं मोतियों वाली बात बता रहा था वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल और सही है इस साउंड बार के लिए एंड फॉर नो अदर साउंड बार, बिकॉज ये क्लैरिटी अचीव करना एक बहुत शानदार ट्यूनिंग की वजह से ही पॉसिबल है, और वो मेरिडियन ने करा है। एलजी ने मेरिडियन के साथ जो टाई अप करा है उसकी वजह से जो इसमें ट्यूनिंग मेरिडियन ने करी है दैट इज जस्ट फिनोमिनल, दिस कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। ये चीज़ दो अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर से होती है। ये दो अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर जो आपको इस मेरिडियन साउंड बार में मिलते हैं, ये एक्चुअली में जो आपको ऑडियो देते हैं वो यहीं से फैली हुई ऑडियो देते हैं। द मोमेंट यू टर्न दिस साउंड बार ऑन आप हैरान होते हैं, आप खुश होते हैं, आपके अंदर अलग अलग फीलिंग आती हैं। अगर आप एक ऑडियो फाइल हैं देन दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू। आप अगर एक सही और एक बिल्कुल एक्यूरेट साउंड बार खरीदना चाहते हैं जिसमें इतनी सी भी 0.01% की भी हेर फेर ना हो किसी भी ऑडियो में, किसी भी नुआंस में, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू। मैंने बोस और सोनोस तक के प्रोडक्ट्स को बहुत आराम से ढंग से रिव्यू कर रखा है, लेकिन आई कैन सेफली एंड वेरी इजीली टेल यू कि ये साउंड बार इफ नॉट बेटर तो उनको बहुत कांटे की टक्कर पे रखती है, बिकॉज दिस इज ट्यून्ड लाइक दिस। दिस साउंड बार हैज अ लॉट ऑफ फीचर्स, ये अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर इज वन ऑफ देम। इसके अलावा आपको एक HDMI इन पोर्ट भी इसके अंदर मिलता है, HDMI EARC पोर्ट भी मिलता है। EARC आपको सारी डिकोडिंग देगा, यहाँ तक कि आपको हाई रेज ऑडियो भी इस साउंड बार से मिलेगी, जो कि अचीव करना बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुश्किल भी है और बहुत ज़्यादा अच्छी आपको ट्यूनिंग करनी पड़ती है साउंड बार में, तब आपको हाई रेज ऑडियो मिलती है, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ डन इन दिस साउंड बार। इसके अलावा आपको इसमें फ्लैक ऑडियो भी प्ले करने की कैपेबिलिटी मिलती है। HDMI इन पोर्ट से आपको डॉल्बी विजन और HDR10 प्लस की पास थ्रू भी मिलेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है। इफ़ यू आर अ गेमर और आप अपने टीवी के साथ एक गेमिंग कॉन्सोल लगाना चाहते हैं और ये साउंड बार भी लगाना चाहते हैं देन दिस इज़ द वन टू गो फॉर, क्योंकि आप अपने टीवी के साथ उसके EARC पोर्ट में इसे कनेक्ट करें और अपने गेमिंग कॉन्सोल को इस साउंड बार के HDMI इन पोर्ट में कनेक्ट करें, देन आपके टीवी के अंदर जो गेमिंग आप करेंगे उससे आपको HDR पास थ्रू भी मिलेगा, डॉल्बी एटमोस भी मिलेगा, नो मैटर विच फॉर्मैट आप वीडियो फॉर्मैट उससे लेना चाहें आपको वो मिलेगा, डॉल्बी विजन, HDR10 प्लस, व्हाट एल्स डू यू नीड। इस साउंड बार के अंदर क्रोमकास्ट की भी सपोर्ट है, ये गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा को भी सपोर्ट करती है। इतने सारे फीचर्स मैंने आपको इसके बताए और ये प्राइस है 30,000 रुपीज़ ओनली। अब प्राइस बताया है तो आपको इसका ऑडियो वीडियो टेस्ट सुनाता हूँ और ध्यान से सुनिएगा उस सिलेंडर की आवाज़ को। अगर आपको मैं ब्लाइंड फोल्ड करके इस साउंड बार से वही सिलेंडर की आवाज़ सुनाऊंगा, देन आई कैन बेट ऑन दिस कि आपको इस साउंड बार का सोर्स पता नहीं चलेगा, उस ऑडियो का सोर्स पता नहीं चलेगा। दैट इज़ द काइंड ऑफ सराउंड दिस साउंड बार कैन गिव विदाउट सराउंड चैनल्स। ये है इसका मैजिक, और आपको जो बेस महसूस होगी आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बेस कहाँ से आई, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आपको वाइब्रेशन कितनी बार महसूस हुई एक ही बेस में। दैट इज कॉल्ड लेयर्स। ये साउंड बार एक गजब की चीज है। मैं
शायद सही शब्दों में इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है, एक साउंड बार नहीं है। इस एक्सपीरियंस को आपको जीना पड़ेगा, इस एक्सपीरियंस को आपको अपने रूम में लगा के उस डॉल्बी एटमॉस की एक्चुअल पावर को समझना पड़ेगा, जहां पे आपको हर गोली की आवाज उसी डायरेक्शन से आएगी जिस डायरेक्शन में वो चलाई गई है। जहां पे अगर बारिश हो रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअल में हमारे रूम में बारिश हो रही है। एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। द पावर ऑफ ऑडियो एंड द पावर ऑफ साउंड इज रियली एन एक्सपीरियंस, एंड दिस साउंड बार विद द मेरिडियन ऑडियो इज नो लेस देन एन एक्सपीरियंस एंड फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। इसलिए ये साउंड बार बनती है नंबर वन इन माई लिस्ट, और शायद मैं अगर 20,000 to 30,000 रुपीज़ और भी इसके प्राइस में ऐड करूँ तो भी मैं इससे बेटर साउंड बार आपको शायद रेकमेंड ना कर पाऊँ, इफ़ इट इज़ नॉट मेरिडियन ऑडियो। बिकॉज इसके अलावा भी एक और अच्छी साउंड बार है, SC9S, जो मैं बहुत जल्दी आपको ट्रूव्यू करके दिखाऊंगा। एंड दैट साउंड बार इज इवन में और ब्यूटिफुल, क्योंकि उसके अंदर आपको 3 अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स मिलते हैं। वो थोड़ा और ज़्यादा मैजिक करते हैं और वो एक और ज़्यादा अच्छी साउंड बार है, बट दैट इज प्राइस्ड स्लाइटली हायर देन दिस। इसका प्राइस है 30,000 रुपीज़, और इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। प्लीज़ यूज़ माई लिंक्स और इस चैनल की सपोर्ट करें, और कैसा लगा ये वाला कंपैरिजन ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं इन साउंड बार्स के बारे में, ज़रूर पूछिए। और दोस्तों याद रखिएगा, 2.1 और 5.1 साउंड बार का कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैंने जितनी क्लैरिटी से आपको एक्सप्लेन करना था मैंने इस वीडियो में करा है। अगर आपका कोई रेलेवेंट क्वेश्चन होगा आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू एज सून एज आई कैन। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले बहुत बड़े कंपैरिजन के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।